आज हम आपको भगवान शिव जी के बारे में कुछ खास बताने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सुना होगा कि दुनिया में भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है, लेकिन कहाँ की जाती है ये शायद ही आपको पता होगा। तो आपको बता दें कि ऐसे दो ही स्थान हैं जहाँ पर शिव की मुख की पूजा की जाती है, जिनमें भारत में उत्तराखंड के चामोली जिले के रुद्रनाथ और नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर शामिल है। बता दें कि उत्तराखंड में चामोली जिले में रुद्रनाथ समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कहा जाता है कि मंदिर पांडवों ने बनवाया था। यहां भगवान शिव का मुखमंडल एक गुफा के अंदर है और पवित्र गुफा के अंदर ही भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान शिव का ये मंदिर पंच केदार में से एक है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव हिमालय आए थे, क्योंकि पांडव भगवान शिव से वो अपने पाप के लिए क्षमा मांगना चाहते थे, क्योंकि महाभारत के युद्ध में कौरवों को मारने के वो दोषी थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को नंदी बैल के रूप में बदल लिया था और गढ़वाल क्षेत्र में कहीं छुप गए थे। इसके तुरंत बाद भगवान शिव का शरीर चार अलग अलग भावों में विभाजित हो गया था और पांच स्थानों पर भगवान शिव ने पांडवों को अपने पांच भावों के दर्शन दिए थे और तब जाकर पांडव अपने पापों से मुक्त हो पाया था, जिन्हें पंच केदार के रूप से भी जाना जाता है। और जहां भगवान शिव का सिर पाया गया है वहां पर रुद्रनाथ मंदिर बना गया था। बता दें कि यात्री सागर गांव और जोशीमठ के रास्ते ट्रेनिंग मार्ग से ही मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। जोशीमठ से ये रास्ता 45 किलोमीटर लंबा है और ये मंदिर हाथी पर्वत, नंदा देवी, नंदा घुटी, त्रिशूल आदि चोटियों का मंत्र मुग्ध करने वाला अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। सूर्यकुंड, चंद्रकुंड, तारकुंड और मानकुंड आदि पवित्र कुंड मंदिर के पास स्थित है, जो समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रुद्रनाथ मंदिर भव्य प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है। हम आपको गोपेश्वर के बारे में बताते हैं। गोपेश्वर एक आकर्षक हिल स्टेशन है जहां पर ऐतिहासिक गोपीनाथ मंदिर है और इस मंदिर का ऐतिहासिक लोह त्रिशूल भी आकर्षण का केंद्र है। रुद्रनाथ मंदिर के सामने से दिखाई देता नंदा देवी और त्रिशूल की हिमाच्छादित चोटियां यहां का आकर्षण बढ़ाती हैं। ठहरने के लिए रुद्रनाथ में मंदिर सीमित की धर्मशालाएं हैं, जो यात्री जल्दी भगवान के दर्शन कर लेते हैं। वे बानर, बुग्याल, ल्यूती, बुग्याल, सागर या गोपेश्वर में ठहरने के लिए वहां जा सकते हैं और इस स्थान की यात्रा के लिए सबसे पहले गोपेश्वर पहुंचना जरूरी होता है, जो कि चामोली जिले के मुख्यालय में है। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।